Hi, I'm Jitendra Kumar. My channel name is Jitendra Kumar, Economics 7050523391. Basically, आज का हमारा वीडियो है जो बी ए इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 4 पेपर 8, जिस पेपर का नाम है मैथमेटिकल एनालिसिस फॉर इकोनॉमिक्स अंडर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में हम आज बेसिक कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, मतलब हम यहाँ पर एकदम शुरू से लेके जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों के द्वारा एक फीडबैक आया, धनबाद का लड़का है, विकास कुमार नाम है, जैसा विकास जी ने बताया कि हमें कैलकुलस आती ही नहीं है, तो उसी के मद्देनजर मैं इस तरह कैलकुलस को प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, जो आज का वीडियो कम से कम 10-12 वीडियो में भी 15-20 वीडियो भी इस पर मैं बनाऊंगा, ताकि जहां ए से लेके जेड तक कैलकुलस को सिखाने की मेरी जिम्मा है और रूल और इसका एप्लीकेशन इन इकोनॉमिक्स थ्योरी। तो हम लोग शुरू से चल रहे हैं वन वेरिएबल से डायरेक्ट। तो आज का थोड़ा थोड़ा करके हम रोज हर वीडियो मेरा कवर करेगा। आज मैं दो फंक्शन की चर्चा करूंगा, फर्स्ट एक कॉन्स्टेंट फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल एंड सेकेंड हमारा जो रहेगा पावर फंक्शन पर जानकारी लेंगे, और उसके बाद जिन लोगों को इस ये टॉपिक का एक्सरसाइज चाहिए तो मैं अवेलेबल कराऊंगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। और हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है, 7050523391। इस नंबर व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए हमसे, तो मैं इसका एक्सरसाइज भी आप लोग को अवेलेबल कराऊंगा। तो और इसका कुछ एक से लेके हमने 7-8 क्वेश्चंस, छोटा छोटा क्वेश्चन को सॉल्व किया है इस, तो इट्स नोट्स इज आल्सो अवेलेबल एट द डिस्क्रिप्शन अलोंग विद दिस वीडियो, बट इफ यू वांट टू get exercise for today topic this video, you need to contact at my WhatsApp number 7050523391। Now let us start thing। पहला है constant function। और basically ये video उन लोगों के लिए जिन्हें calculus नहीं आती है। तो constant function पहला क्या है आप समझो, दो तरह का होता है, एक वेरिएबल फंक्शन होता है जिसका वैल्यू बदलता है, लेकिन कांस्टेंट फंक्शन का वैल्यू स्थिर होता है। कांस्टेंट मतलब होता ही अस्थिर। तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग दिखाएंगे। जैसे आपको फॉर्मूला है डी, सपोज दैट वाई इक्वल टू फाइव, या एफएक्स इज द फंक्शन ऑफ वाई एंड y इक्वल टू फाइव, ठीक है। तो आप y इक्वल टू फाइव फंक्शन नहीं हो पाएगा, y इक्वल टू फाइव इसका डिफरेंशिएशन करोगे dy, डिफरेंशिएशन dy by dx, रेट ऑफ चेंज हम लोग पता लगाते हैं। तो dy by dx इसको करोगे तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, d by dx एंड कांस्टेंट फंक्शन y का वैल्यू क्या है फाइव लिख दिए, तो इसकी डेरिविटिव जीरो होगी। लेकिन आप बोलिएगा सर कैसे होगी, आप तो डायरेक्ट बता दिए, तो थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, एलाबोरेट करना चाहते हैं। अब हम कोई काम नहीं करेंगे, आप सिर्फ फाइव पर फोकस करो, ये कैसे आया वो छोड़ो, ये फाइव पर फोकस करो। हम फाइव को लिख सकते हैं फाइव इंटू वन, तो इक्वल टू क्या होगा, बदलेगा वैल्यू की वही रहेगा, सेम रहेगा, वन को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रहेगा, फाइव ही होगा, ठीक है। तो हमारा वन जो है हम इसको लिख सकते हैं एक्स बाय एक्स, अगर हम लिखें और इसको अगर हम काट देते हैं तो क्या आएगा, वन इसका वैल्यू आएगा, कोई दिक्कत। तो उसी तरह हम वन के जगह वन इक्वल टू क्या हमारा आ गया, एक्स बाय एक्स इक्वल टू वन हम लिख सकते हैं। तो वन के जगह हम ये चीज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, एक्स बाय एक्स। और आप जान लो किसी भी संख्या का अगर पावर में कुछ नहीं है तो उसका मतलब वन होता है, ठीक है। तो यह इसका पावर जैसे मान के चलिए एक्स
टू की पावर टू है, उसी तरह अगर एक्स लिख देते हैं तो उसकी पावर वन होती है। तो यहां भी वन है। आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे इंडेक्सेस में, ए टू द पावर एम बाय ए टू द पावर एन, अगर बेस सेम रहेगा तो क्या होता है, इक्वल टू ए टू द पावर एम माइनस एन। तो उसी तरह अगर ये एक्स बेस है, इसका भी एक्स बेस है, तो क्या हम लिख सकते हैं, इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर वन माइनस वन, चूंकि एम माइनस एन, उसी तरह ये आपका एम है ये एन है, तो वन माइनस हो गया, इसको लिख सकते हैं जीरो, और वन में वन घट जाएगा तो जीरो होगा। इसकी वैल्यू कितना होती है, वन होती है, ठीक है, इतना तक तो क्लियर हो गया। तो आखिर यहां पर फाइव का मल्टीप्लाई वन से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और वन का वैल्यू हमारा क्या है, एक्स टू दी पावर जीरो। अब आप आसानी से कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जान दोगे, डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, फाइव एक्स टू दी पावर जीरो। इसकी करोगे तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म तो पहले लिखाएगा, उसके बाद इसकी जो पावर होती है, इसकी एक फॉर्मूला होती है, डेरिवेटिव करना है, एक ये पावर फंक्शन लग सीखी लो, x टू दी पावर n, y बराबर x टू दी पावर n, जब भी डिफरेंशिएशन होगा तो n पहले आ जाता है, x जो जैसा फंक्शन वैसा लिख देते हैं, उसमें एक घटा दिया जाता है। उसी तरह इसका पहले अगर आ जाएगा पावर जीरो, और उसके बाद क्या होता है, इंटू एक्स टू दी पावर जीरो माइनस वन। तो आप किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करोगे मेरे दोस्त जीरो से, तो डिफॉल्ट टर्म जीरो होता है, डेल्टा y कांस्टेंट फंक्शन का हमेशा डेरिवेटिव जीरो होता है। अब मान के चलो वाई बराबर 1200, इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, या डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में जीरो होगी। और एक चीज और हमें सिखाना है, इसका नोटेशन, सपोज दैट एफ डैश एक्स, दैट मींस ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव, तो हम जो डी वाई बाय डी एक्स लिखते हैं उसके बदले में आइदर ये लिखें या वो बराबर होता है, फैक्ट्स निकाल रहे हैं। जैसे मान के चलिए एक्स स्क्वायर, जैसे यहाँ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसकी डेरिवेटिव क्या होगा, टू एक्स होगा। तो ऐसा भी लिख सकते हैं एफ एफ वन एफ डैश एक्स इक्वल टू टू एक्स, और यहां भी हम इस तरह लिख सकते हैं। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल लूंगा, वहां पर क्लियर करूंगा। तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव आपको इतना ही याद रखना है, जीरो होता है, ठीक है। अब दूसरा है पावर फंक्शन, चलते हैं तो पावर फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें, आखिर किस कैसा उसका रंग रूप होता है पावर फंक्शन। तो पावर फंक्शन का मतलब होता है किसी संख्या पर पावर होगी, जैसे एक्स टू दी पावर एन, तो एक फॉर्मूला है वो आपको अभी मैंने लिखा था, इसका अगर हम डेरिवेटिव लिखेंगे डी वाई बाय डी एक्स, तो इसका क्या होगा, एन पहले आ जाएगा जो पावर है, उससे टाइम जो फंक्शन मल्टीप्लाई होता है वो एक पावर में घट जाता है, उसी वो फंक्शन हमारा जो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वाई इक्वल टू एक्स टू दी पावर थ्री, ठीक है। अब इसका हमारा डेरिवेटिव करना है यहां पर, तो डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, तो डी वाई बाय डी एक्स, तो डी बाय डी एक्स, और वाई का वैल्यू क्या दिया गया, एक्स टू दी पावर थ्री, बस वही फॉर्मूला के अनुसार चलना है। एन यहां कौन है, एन बराबर थ्री है, तो थ्री आ गया पहले, फिर फंक्शन को एज इट इज लिख देना है, और उसमें वन घटा देना है पावर में, तो आ गया क्या, थ्री एक्स स्क्वायर। पहले बात को समझिए यहां पर, उसी तरह वन वेरिएबल है इसलिए एक ही हमारा फंक्शन वन वेरिएबल का फंक्शन है, इसलिए निकला। इसके बाद हम सम एंड डिफरेंसेस एंड प्रोडक्ट एंड कोसेंट रूल बताएंगे, पहले ये तो जान लो डेरिवेटिव कैसे निकाला जा रहा है पावर फंक्शन का। मान के चलो एक्स, और इसको ये भी हम लिख सकते हैं एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स, एफ डैश इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। कुछ का निकालते हैं आप लोगों की सुविधा के लिए,
एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर थ्री, इसका हम डायरेक्ट नोटेशन ये कर सकते एफ डैश एक्स नाइन है, नाइन लेते हैं यहां पर, तो क्या हो जाएगा पहला ये नाइन आ जाएगा, एक्स लिखाएगा टोटल फंक्शन उसमें वन घट जाएगा, मतलब हम एफ डैश एक्स को क्या लिख रहे हैं इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स, मतलब इसका दो नोटेशन आइदर ये भी लिख सकते हैं ये भी लिख सकते हैं, ठीक है आपको किताब में ऐसा भी मिलेगा वैसा वाला भी मिलेगा, तो नाइन एक्स टू दी पावर एट और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेरिवेटिव हम निकालते हैं। मान के चलिए y बराबर x टू दी पावर जीरो, तो जीरो के डी वाई बाय डी एक्स निकालोगे तो क्या हमारा होगा d लिखेंगे dx लिखेंगे y का वैल्यू x टू दी पावर जीरो, इसका निकालेंगे कितना होता, पहले जीरो आ जाएगा ठीक है, फिर लिखाएगा x एस फंक्शन लिखाएगा तो उसमें माइनस वन कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा ये जीरो होगा, जीरो से किसी भी संख्या को आप मल्टीप्लाई करोगे या डिवीजन करोगे तो जीरो होगी। तो नेक्स्ट है मान के चलिए कभी बोलिएगा कि सर फंक्शन में माइनस वाला दे दिया था, पावर में माइनस वाला दे दिया था, तो प्रोसेस वही रहेगा सिर्फ कैलकुलेशन करने का तरीका जो होता है वही बदलते रहता है डी वाई बाय डी एक्स। अब यहां पर तो एक नया केस आ गया डी बाय डी एक्स एक्स टू वाई का वैल्यू इनपुट कर रहे हैं एक्स टू दी पावर माइनस थ्री, तो माइनस थ्री देख के घबराना नहीं है, बाकी सेम प्रोसेस होता है मैथमेटिक्स में, कोई घबराने की बात नहीं है। तो क्या आ जाएगा माइनस थ्री है, पहले माइनस थ्री आ जाएगा फिर एक्स फिर माइनस थ्री, अब फिर उसमें माइनस वन करते हैं जो फॉर्मूला है। अब मान के चलिए यहां पर जोड़ने में भी बहुत लोग मिस्टेक करते हैं जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड कमजोर होता है, जैसे तीन माइनस मतलब जैसे मान के चलिए तीन रुपया कर्जा है माइनस में आता है फिर एक रुपया और कर्जा ले लिया कितना बचेगा कितना कर्जा हो गया टोटल चार रुपया, उसी तरह यहाँ पर माइनस में घटा मत दीजिएगा टू कर दीजिएगा माइनस फोर होगा कर्ज में ही है तो एक्स टू दी पावर माइनस फोर। अब इसको इस तरह सजा के लिख सकते हैं माइनस थ्री बाय एक्स टू दी पावर फोर, बोलिएगा कैसे लिख दिए। देखिए किसी भी संख्या का पावर अगर माइनस में है टू है वन है या माइनस कुछ भी वन से ही लीजिए, इसका मतलब आप लिख सकते वन बाय एक्स लिख सकते हैं, अगर टू रहेगा तो स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस खत्म होके ये नीचे चला जाएगा ठीक है इनवर्स हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कभी कभी इस तरह फॉर्म में भी आएगा वन बाय एक्स टू दी पावर फोर, अब इसका डेरिवेटिव निकालने में आपको बहुत दिक्कत होगी अगर नया फर्स्ट टाइम है, तो इसको एक ही सोल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं, अगर एट बाय ए वन बाय ए टू दी पावर एन है इसको अगर ऊपर भेजेंगे तो माइनस पावर हो जाएगा ठीक है ए टू दी पावर माइनस एन, तो लाइक दैट यहां भी होगा एक्स टू दी पावर माइनस फोर, बाकी वही प्रोसेस जो अभी हम लोग करते आ रहे थे। अब इसको डायरेक्ट निकाल दीजिए डी बाय डी एक्स, तो क्या आ जाएगा माइनस फोर फर्स्ट में आ जाएगा एक्स माइनस फोर फिर एक माइनस वन, हमारा जो क्या फॉर्मूला के अनुसार अकॉर्डिंग टू मूव करना है तो माइनस फोर एक्स टू दी पावर फाइव चार रुपया कट गया फिर एक रुपया कट गया कितना हो गया माइनस फाइव, तो माइनस फोर और इसको नीचे लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर फाइव ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं y बराबर टू एक्स, अब ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको डी वाई बाय डी एक्स इधर भी करेंगे डी बाय डी एक्स टू एक्स, तो ये कांस्टेंट टर्म अगर मल्टीप्लाई रहेगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं मल्टीप्लाई रहेगा तो डायरेक्ट आप आगे लिख सकते हो ठीक है टू डी बाय डी एक्स और एक्स आ जाएगा यहां पर, आप एक्स का डायरेक्ट टू लिखाएगा ही एक्स का हम बताए थे जैसे एक्स है इसकी मैंने पावर वन होती है माई वन से इसको पहले मल्टीप्लाई किया कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो वन माइनस वन तो इसकी क्या डेरिविटी आए टू इंटू वन इंटू एक्स टू दी पावर जीरो और इसका वैल्यू किसी भी संख्या का पावर अगर जीरो होगा वैल्यू वन होता है तो यहाँ कितना हो जाएगा टू इंटू वन टू। और एक फाइनल और एग्जाम्पल लेते हैं
वाई बराबर फोर एक्स टू द पावर थ्री, उसी तरह डी वाई बाय डी एक्स लिखेंगे, और ये फोर को आप आगे रखना डी वाई बाय डी एक्स है, तो डी बाय डी एक्स और वाई का वैल्यू एक्स टू द पावर थ्री, तो पहले क्या होगा फोर आएगा इंटू होगा ठीक है थ्री, तो फोर थ्री जब ट्वेल्व, फिर क्या होता है इंटू इंटू करते हैं एक्स जो फंक्शन वो लिख देते हैं और उसमें वन घटा देते हैं, ये तो होता है, तो फोर थ्री जब ट्वेल्व और टू में थ्री में वन चला जाएगा तो टू, तो एक्स टू दी पावर टू, और कभी कभी हम लोग मल्टीप्लाई टर्म में भी लिखते हैं यही चीज को, तो पॉइंट मत समझ लीजिएगा, फोर मल्टीप्लाई एक्स टू दी पावर थ्री बाय वन, तो इसको क्या हो जाएगा ट्वेल्व एक्स एक्स टू दी पावर स्क्वायर, मल्टीप्लाई होता है, कभी इसको पॉइंट नहीं समझेगा ठीक है। तो हम लोगों ने इतना किया, अगर किसी को और एक्सरसाइज की जरूरत है, अगर नहीं समझ में आया तो यू कैन मेक कमेंट ओवर माय वीडियो, और हम चाहेंगे कि 10 दिन 12 दिन के अंदर पूरा रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल टू वेरिएबल थ्री वेरिएबल एंड इट्स एप्लीकेशन इन इकोनॉमिक्स आपको प्रेजेंट करें। ये पहला वीडियो है रूल ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का, प्रत्येक दिन देंगे और एक्सरसाइज भी कराएंगे जस्ट लाइक ए ट्यूशन क्लास। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इफ यू कम फर्स्ट टाइम इन माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इन ऑर्डर टू गेट बेटर टू बेस्ट वीडियो कवरिंग द सिलेबस ऑफ योर कोर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल इन, जय हिंद।